आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को गर्दन के दर्द के लिए एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में दी गई है। बयान के मुताबिक ठाकरे ने कहा कि उन्होंने कोरोना महामारी के खिलाफ सरकार की लड़ाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के दौरान गर्दन के दर्द की उपेक्षा की है। इसके साथ ही बयान में कहा गया है कि मेरे पास अपनी गर्दन उठाने का भी समय नहीं था। मैंने अपनी गर्दन के दर्द को ना कहा, मैंने इसे थोड़ा नज़रअंदाज कर दिया और जिसका मेरी गर्दन पर असर हुआ। ठाकरे ने विश्वास जताया कि वह जल्द ही ठीक हो जाएंगी। इस बीच जैसे ही राज्य ने 10 करोड़ टीकाकरण लक्ष्य को पार कर लिया, तो ऐसे में उन्होंने अपील की कि राज्य के सभी पात्र लोगों को 2 खुराक अवश्य लेने चाहिए। ठाकरे एक ऑनलाइन कार्यक्रम में गले में ब्रेस पहने हुए दिखाई दिए थे और एक दिन बाद उनका पूरी तरह से मेडिकल चेकअप किया गया। इसी के साथ बताते चले कि पिछले हफ्ते उन्होंने बारामती में एक समारोह में भाग लिया और संकेत दिया कि उन्हें कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब तक ये बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।